नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जमाल गोटा के बारे में। जी हां, आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि जमाल गोटा का सेवन करने के बाद पेट खराब हो जाता है, यानी कि बार बार शौच जाना पड़ता है। बचपन में आपने सुना होगा कि किसी के खाने में जमाल गोटा मिला दो तो वो बार बार लेटरिन जाता है। लेकिन ये बहुत कमाल की औषधि है, खास करके कब्ज का तो जड़ से सफाया करती है। पर जानना ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि किस प्रकार से इसका किस मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो कौन सी बीमारी दूर होगी, और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शुद्ध फॉर्म में इस्तेमाल करना होता है या फिर इसको प्यूरिफाइड करके इस्तेमाल करना होता है, इसकी कितनी मात्रा सही होती है, यानी कि जमाल गोटा का कितनी मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जमाल गोटा के फायदे भी और नुकसान भी, तो ये वीडियो बेहद खास है, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जमाल गोटा का जो प्रकृति है वो गर्म है, इसीलिए ये हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी, ब्लड हमारा साफ हो जाएगा और कफ संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो इससे जड़ से समाप्त होती हैं। तो आइए अब वन बाय वन करके जमाल गोटा के उपयोग के बारे में जानते हैं, कौन से रोग में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे फायदा करता है। सबसे पहले चर्म रोग का काल है जमाल गोटा। जी हाँ, कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, तो आप नारियल का तेल लीजिए, उसमें जमाल गोटा को पीस करके लेप बना लीजिएगा और फिर इस लेप को अपनी त्वचा पर लगाइएगा। इससे चर्म रोग जो है वो जड़ से समाप्त होने लगेगा। धीरे धीरे थोड़ा लंबा इस्तेमाल आपको रखना होता है, ये ध्यान रखिएगा, आयुर्वेदिक औषधि है। तो दूसरी औषधि के रूप में जब इसको इस्तेमाल करेंगे, तो किसी को मान लीजिए भयंकर सिर दर्द है, उसके लिए बहुत अच्छी औषधि है। सिर दर्द होने पर क्या करना है, तो जमाल गोटा का बीज लीजिए और इसको अच्छे से पीस लीजिए, पेस्ट बनाइए, माथे पर लगाइए, इससे सिर का दर्द आपका दूर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जमाल गोटा के बीज के पेस्ट को कुछ समय के बाद माथे से पोंछ करके उस पर घी जरूर लगाइएगा। माथे पर ध्यान रखिए, घी जरूर लगाइएगा, नहीं तो क्या होगा, जलन होने लगेगी जब हटेगा तो। अब कई लोगों के आंतों में कीड़े होने की समस्या होती है, तो इस स्थिति में भी जमाल गोटा बहुत कमाल के औषधि के रूप में कार्य करता है। तो कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे अगर किसी के आंतों में कीड़े हो गए हैं, तो आंतों के कीड़ों को नष्ट करने के लिए आप 10 मिलीग्राम जमाल गोटा के बीज को लीजिए और उसे गर्म पानी के साथ सेवन कीजिए, इससे आंत में जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कितना, 10 मिलीग्राम, ध्यान रखिएगा इससे ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है। और आप अंत तक बने रहिए क्योंकि कुछ लास्ट में हम आपको नियम बताएंगे जो कि जमाल गोटा का सेवन करते समय ध्यान रखना है आपको, नहीं तो जितनी अच्छी औषधि है उतनी ही जल्दी रिएक्शन भी करती है। इसका सावधानी से इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है और आयुर्वेद के जानकार के निगरानी में करें तो बेस्ट होता है। अगला, अगर मान लीजिए किसी को बिच्छू का दंश लग जाता है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, जमाल गोटा को पानी में घिस लीजिएगा और काटे हुए स्थान पर, जहाँ पर भी आपके बिच्छू ने काटा हो वहाँ पर इसको लगा दीजिएगा, इससे दंश जो है वो ठीक होने लग जाता है। अब सबसे बड़ी एक समस्या है नपुंसकता, पुरुषों में ये और स्त्रियों में भी होता है कई बार, लेकिन पुरुषों में ज़्यादातर ये समस्या आती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, जमाल गोटा का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो जमाल गोटा का तेल बनाइएगा, कैसे बनाना है वो आपको हम अभी बताएंगे। इसको इस्तेमाल क्या करना है, तो आपको अपने गुप्तांगों पर लगा करके मालिश करनी है, इससे नपुंसकता की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है, मैथुन शक्ति में इससे बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा फोड़े फुंसियाँ और घाव हैं किसी के बॉडी में, तो उनके लिए भी जमाल गोटा कमाल की औषधि है। जमाल गोटा और एरंड के बीज को बराबर की मात्रा में लेकर के पीसना चाहिए इसके लिए, फिर इस पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाइएगा, लेप बना लीजिएगा, इस लेप को फोड़े फुंसी और घाव पर लगाइए, इससे फोड़े फुंसी के घाव आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा गठिया रोग, जी हाँ, जमाल गोटा के तेल से घुटनों की अगर आप मालिश करते हैं तो इससे गठिया रोग यानी कि घुटनों का जो दर्द होता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसके अलावा अब आपको लास्ट फायदा बता देते हैं, फायदे तो इसके और बहुत सारे हैं, लेकिन एक फायदा आपको बता देते हैं जो कि रामबाण औषधि के रूप में इस बीमारी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हर किसी को कभी ना कभी जरूर होता है। अगर आपको कब्जियत होती है तो आप कैसे
उसको खत्म करते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। और अब जान लीजिए जमाल गोटा का इसमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। जमाल गोटा के बीज का पाउडर बनाना है आपको, लेना कितना है तो 20 से 40 मिलीग्राम, ध्यान रखिए मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 40 मिलीग्राम आपको इतना ही लेना है। इससे जलोदर हो और गंभीर से गंभीर कब्ज की समस्या हो, यानी कि कई लोग होते हैं जिनको बहुत दिनों तक लैट्रिन नहीं आया हुआ होता है, उनको शौच नहीं आ रहा होता है खुल के, तो उनको 20 से 40 मिलीग्राम की मात्रा में दे दीजिए, या यूं कहिए 30 तक रख लीजिए। ये पूर्णतः पेट को साफ कर देगा। अक्सर आपने सुना भी होगा कि ये पेट को ख़राब करता है, यानी कि शौच ज़्यादा लाता है, तो अगर किसी को कब्जियत है तो उनके लिए रामबाण औषधि है। अब इसके नुकसान को समझ लीजिए। आपने कभी जमाल गोटा का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है कमेंट करके बताइए। और जमाल गोटा का जो आपने ये गुण सुना उसमें कौन सा गुण जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइए कि कौन सा फ़ायदा इसका सबसे अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। जमाल गोटा का गलत मात्रा में अगर आप सेवन करेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया दस्त होता है और उल्टी का ये कारण बन जाता है, यानी कि आपको बार बार लैट्रिन आने लगेगा और उल्टी होने लगेगी। इससे पेट में जलन भी होने लगेगी, आंतों में जलन, और ज़्यादा और ले लेंगे तो आंतों में घाव हो सकता है। इसीलिए इसका उपयोग हमेशा ही ध्यान रखिए बहुत कम मात्रा में, और उचित जो आयुर्वेदिक जानकार हैं उनकी निगरानी में करें तो बेहतर है। ध्यान रखिएगा अगर किसी ने विषैला जमाल गोटे का सेवन कर लिया है तो जमाल गोटे के विषैले प्रभाव को समाप्त करने के लिए गर्म पानी पीजिएगा या फिर शहद या दही मट्ठे का सेवन कीजिएगा, इससे विष का प्रभाव समाप्त होगा। ध्यान रखिए अगर किसी ने गलत मात्रा में जमाल गोटा ले लिया है या फिर जमाल गोटा लेने के बाद उसको रिएक्शन हो रहा है तो क्या करना है, आपको गर्म पानी का सेवन करना है, शहद का सेवन करना है, दही का सेवन करना है और मट्ठे का सेवन करना है, इससे उसका विषाक्त जो प्रभाव है वो नष्ट होता है। जमाल गोटा का गर्भावस्था में भूल से भी सेवन मत कीजिएगा। जमाल गोटा के फायदे और नुकसान आप समझ चुके होंगे उम्मीद है अच्छे से। अब समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरा जो आपने ये वीडियो देखा उसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके सेवन करने की मात्रा। इसके बाद बताएंगे इसको शुद्ध कैसे करना है, क्योंकि इसको शुद्ध करके ही इस्तेमाल करना है, इसको बिना शुद्ध किए इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या जानना है, जमाल गोटा के सेवन करने की मात्रा को। तो आइए जानते हैं जमाल गोटा के शोधित बीज को। ध्यान रखिएगा शोधन का आपको विधि अभी बताने वाले हैं, तो शोधित बीज का उपयोग कीजिएगा। कितनी मात्रा में, तो 6 से 12 ग्राम की मात्रा में कभी भी आप ले सकते हैं, इतना लिया जा सकता है। और जमाल गोटा तेल की केवल एक बूंद ही मात्र जो है वो उपयोगी होता है आपके लिए, काफ़ी होता है, एक बूंद से ज़्यादा नहीं। ध्यान रखिएगा औषधीय उपचार और सेवन के लिए केवल जमाल गोटा के शुद्ध यानी कि शोधित बीजों का ही इस्तेमाल करना है। तो अब इसका शोधन कैसे करेंगे, यानी कि जमाल गोटा को शुद्ध करने की विधि क्या है, आइए जानते हैं। जमाल गोटा में कई सारे दोष होते हैं, ये तो आप जान चुके हैं, इसी वजह से इनको शुद्ध करने की ज़रूरत है। इन दोषों को समाप्त करके ही आप इनका उपयोग औषधि के रूप में कर सकते हैं। जमाल गोटा में व्याप्त दोष को दूर करने के लिए इसके बीज को दो भागों में काटना होगा आपको। इसके बाद क्या करना है, गाय के दूध में लगभग 3 घंटे के लिए इसको गर्म करना है, यानी कि उबालना है। दूध को तब तक गर्म कीजिए जब तक इसमें चिकनाई जो होती है, घी जो होता है, वो खत्म ना हो जाए। जब इसमें चिकनाई न रह जाए तब समझिए कि ये शुद्ध हो गया है आपका जो जमाल गोटा है। फिर मिट्टी की प्लेट में बीजों को रख करके सूरज की रोशनी में सुखाइएगा। ध्यान रखिए मिट्टी की प्लेट हो यानी कि ज़मीन पर, और इसके बाद उसको कहाँ आपको सुखाना है, मिट्टी का प्लेट आप वो भी समझ सकते हैं जो अभी आपको मिट्टी की प्लेट होती है और उसको पका दी जाती है, यानी कि ढक्कन जो होता है घैला वगैरह का, उसमें भी आप इसको सुखा सकते हैं, सूरज की रोशनी में सुखाइएगा। यदि इसके बीजों का उपयोग बिना शोधन के करेंगे तो आपको भयानक उल्टी और दस्त हो सकता है, इसीलिए आयुर्वेद में इन बीजों का उपयोग शोधन करके ही किया जाता है। इसका तेल कैसे बनाएंगे, अब सवाल ये आता है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे जैसे कि हमने नपुंसकता में बताया या फिर घुटनों के दर्द में जब इस्तेमाल करना होगा तो क्या करना है। कोई भी एक तेल जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए सरसों का तेल है, तो क्या करना है आपको, उसमें आपको जमाल गोटा के बीजों को डाल देना है और इसको अच्छे से उबालना है, लगभग तब तक उबालना है जब तक इसके बीज जो हैं
बीच से जो काटा हुआ है आपने वो काले ना हो जाए, यानी कि इनका रस जो है उस तेल में ना मिल जाए। जब रस तेल में अच्छे से मिल जाए तो इसको छान लीजिए, बीजों को बाहर कर दीजिए, उस तेल को आप एक शीशे में भर के रख लीजिए, शीशी में भर के रख लीजिए, इसका उपयोग आप सभी कर सकते हैं। ये कमाल का फ़ायदा करेगा, फ़ायदे आप सभी जान चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपके मन में कुछ संशय है इसको लेकर के, तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से या फिर इसी वीडियो पर कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें। जाते जाते कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद वैल्यूएबल होते हैं, इसीलिए कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें कि चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आप सभी के लिए किन चीज़ों को, किन टॉपिक्स को लेकर के हम आएँ। धन्यवाद।